खबर शामिल करते हैं मेलसी से, जहां खानाबदोशों के खेमों में रात की तारीकी में फायरिंग, रिश्ते के तनाजा पर करीबी अजीज को गोलियों से बूंद डाला, पेट और टांगों में गोलियां लगने से उमर अली नामी खानाबदोश मौका पर जान भाग। मजीद तफसील जानते हैं अब्दुल सितार की इस रिपोर्ट में। मेलसी के नवाई कस्बे शम्मन की बस्ती रेथड़ी वाला में आधी रात के वक्त फिजा गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। बावलपुर से आर्जी तौर पर शम्मन के निवाह में बसेरा करने वाले खानाबदोश इकबाल शरीफ, मोहम्मद तारिक, अमीन अली हसन और शरीफ वगैरह ने उमर अली के खानदान की जवान साला लड़की को जबरदस्ती अगवा करने की कोशिश की। शोर अवेले की आवाज सुनकर दीगर खानाबदोश झोंपड़ियों से बाहर आना शुरू हो गए तो मुलजमान ने मुजाहमत करने वाले उमर अली को बाजुओं पर कुल्हाड़ी और डंडों के वार करके जख्मी किया। नीचे गिरने पर पिस्टल और 12 बोर बंदूक से फायर करके बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया और असला लहराते हुए मौका से फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी।